एमएस वर्ड 2016 के इस अध्याय में होम टैब में पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत आज आप सीखेंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन का उपयोग करना। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई मैटर पॉइंट वाइज लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप बुलेट्स ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। बुलेट इंसर्ट करने के लिए होम टैब में पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत आपको ऑप्शन मिलेगा बुलेट्स, इस पर क्लिक कर दें। ये देखिए बुलेट्स इंसर्ट हो गई हैं। अब जैसे जैसे पॉइंट्स आप लिखिएगा और पॉइंट्स लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली बुलेट्स इंसर्ट होती चली जाएंगी। ये देखिए बुलेट्स ऑटोमेटिक इंसर्ट होती चली जा रही हैं। बस अपने पॉइंट्स को लिखने के बाद इंटरप्रेस कर देना है। यदि आपको बुलेट्स स्टाइल चेंज करना हो तो उसके लिए बुलेट्स के पास दिख रहे ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। यहाँ आपको अलग अलग तरह के बुलेट्स नजर आएंगे, इनमें से जो भी आपको पसंद आए उस पर क्लिक कर दें। ये देखिए बुलेट चेंज हो चुकी है। यदि आप बुलेट्स की जगह नंबर स्टाइल चाहते हैं तो उसके लिए बुलेट्स के पास ही नंबरिंग का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें। ये देखें जो पॉइंट्स हमने लिखे थे अब उनके आगे नंबर आ गए हैं। अब हम जब पॉइंट्स लिखेंगे उनके आगे भी नंबर ही आएगा। चलिए हम लिख के दिखाते हैं आपको। अपन नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं और जैसे इंटर प्रेस करेंगे देखिए इसके आगे भी हमें नंबर ही शो हो रहा है। यदि नंबर भी आपको अलग अलग स्टाइल में चाहिए तो नंबर के पास ही एक ड्रॉप डाउन एरो है, उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से जो भी स्टाइल आपको चाहिए उस पर क्लिक कर दें। ये देखिए नंबर स्टाइल चेंज हो गई है। यदि आपको पॉइंट्स में कोई सब पॉइंट्स लिखना हो तो उसके लिए मल्टी लेवल लिस्ट पर क्लिक करें और यहां से जिस भी स्टाइल में सब पॉइंट्स चाहिए उस पर क्लिक करें। चलिए हमें पॉइंट्स पे क्लिक कर देते हैं। अपने पॉइंट्स 4 में लिखा हुआ है लेआउट और आपको यहाँ इसके नीचे सब पॉइंट्स देने हैं, तो इसके लिए आपको प्रेस करना होगा टैब की। टैब की को प्रेस करते ही आप सब पॉइंट्स में एंटर कर जाइएगा और यहाँ पे आपको जो भी सब पॉइंट्स देने हो आप उन्हें यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए अपने सब पॉइंट्स यहाँ से लिख लेते हैं। देखिए सब पॉइंट्स ऑटोमेटिक चेंज होते चले जा रहे हैं। मान लीजिए आपको सब पॉइंट्स यहाँ पर देने हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करें और इंटरप्रेस करें। इंटरप्रेस करते ही आपको बुलेट्स मिल रहे हैं और आपको यहाँ पर सब पॉइंट्स चाहिए तो आप टैब की का प्रेस कीजिए, आप सब पॉइंट्स में एंटर कर जाइएगा और आप यहाँ पे जो भी सब पॉइंट्स देना चाहते हैं उन सब पॉइंट्स यहाँ पे लिखिए। देखिए सब पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिलते चले जा रहे हैं। यदि आपको वापस मेन पॉइंट्स पर आना है तो उसके लिए शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस कीजिए और आप मेन पॉइंट्स में आ जाएंगे। लेकिन हमारा जो अगला पॉइंट्स था इंसर्ट वो तीसरे नंबर पर चला गया है, हम चाहते हैं कि वो वापस दूसरे नंबर पर आ जाए तो उसके लिए हमें डिलीट की को प्रेस करना होगा। ये देखिए वापस हमारा नंबर सही हो गया है। यदि आपको ये सारे बुलेट्स या नंबर हटाने हो तो सबसे पहले इन्हें सिलेक्ट कर लें। अगर आपने नंबर दिए हैं तो नंबरिंग पर जाकर या बुलेट्स दिए हैं तो बुलेट्स पर जाकर नन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ये देखिए सारे नंबर यहां से हट गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने पहले से ही मैटर लिख लिया होता है और बाद में हमें बुलेट्स देना होता है या नंबर देना होता है। जैसे हमारे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन पर हमें नंबरिंग करना है
तो उसके लिए मैटर को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अगर हमें बुलेट्स देना हो तो बुलेट्स पर जाकर, या नंबरिंग देनी हो तो नंबरिंग पर जाकर क्लिक कर दें। ये देखिए नंबर आ गए हैं। तो आज हमने जाना कि अपने लिखे हुए पॉइंट्स पर कैसे हम बुलेट्स का यूज करते हैं, नंबरिंग का यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।